हेलो बच्चों, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं आपकी मैम प्रभा मैम, जो आपकी राइम्स टीचर हैं। और बच्चों, क्लास है आपकी LKG और 10 है हमारा आज हिंदी राइम्स, यानी कि हिंदी की कविता। इंग्लिश की जो हमारी राइम्स थी, हम उन्हें सेकंड टर्म की कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 10 है हिंदी की कविता, यानी कि हिंदी की राइम्स लर्न करने का। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बुक निकालेंगे राइम्स की। तो बच्चों, हमारी बुक्स राइम्स की कौन सी है, हमारी राइम्स की बुक है ये वाली। ओके, और पेज नंबर निकालेंगे आप 20। कौन सा पेज नंबर निकालेंगे आप 20। तो हमारी कविता का शीर्षक क्या है बच्चों, हमारी कविता का शीर्षक है मेरी माँ। मेरी माँ जो हमारी मम्मी होती है, जिन्हें आप मम्मी बोलते हो, ममा बोलते हो, मॉम जी बोलते हो, ठीक है। तो मेरी माँ, हमारी कविता का शीर्षक क्या है बच्चों, मेरी माँ। इसे हम बहुत अच्छे तरीके से लर्न करेंगे और फिर वॉइस मैसेज के द्वारा मैम को सुनाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चों ने अपनी बुक ओपन की, पेज नंबर 20 निकाला। ओके, चलिए। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी, यानी कि मेरी माँ सबसे प्यारी है, सबसे सुंदर है और सबसे न्यारी है। मीठी मीठी लोरी गाती, लोरी गाकर मुझे सुलाती। मेरी माँ मीठी मीठी क्या गाती है, लोरी, जिसे गीत बोल देते हैं कभी कभी, उन्हें गा गा कर क्या करती है, मुझे सुलाती है, ठीक है। मुझे पढ़ाती, मुझे लिखाती, सच बोलना मुझे सिखाती। मेरी माँ मुझे पढ़ाती भी है और मुझे लिखाती भी है, और मुझे क्या कहती है, सच बोलना मुझे सिखाती है, यानी कि सच बोलने के लिए मुझे कहती है। तो चलिए, अब हम आपने इसमें समझ लिया माँ के मतलब माँ हमें क्या क्या सिखाती है और कैसी हमारी माँ है। मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी, मीठी मीठी लोरी गाती, लोरी गाकर मुझे सुलाती। मुझे पढ़ाती मुझे लिखाती, सच बोलना मुझे सिखाती। तो बच्चों, जो हमारी माँ होती हैं वो हमें क्या क्या सिखाती हैं, वो हमें पढ़ाती भी हैं, वो हमें लिखना भी सिखाती हैं, और वो हमें क्या करती हैं, सच बोलने की तरफ प्रेरित करती हैं कि बच्चों आप सच बोलो, झूठ मत बोलो, ठीक है बच्चों। तो हमारी माँ कैसे होती हैं, सबसे सुंदर सबसे प्यारी, हमें अपनी माँ अच्छी लगती है ना, आपको भी अच्छी लगती है ना अपनी मम्मी, वेरी गुड। मम्मी, मॉम या फिर मम्मा जी, वो अच्छी लगती है ना, वेरी गुड। तो उसी पर हमने क्या करा है, ये इस कविता को लर्न किया है। ओके बच्चों, तो आप इस तरीके से, आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसे बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय पूर्वक लर्न करेंगे और हमें इसे वॉइस मैसेज के द्वारा सुनाएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।